नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हम लोग जो हैं यूआई प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो भी आप लोगों का एंगुलर में। आप लोगों को पता है कि जो पोर्टल हम लोगों ने बनाया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, यानी कि गेटिंग स्टार्टेड में, हम लोगों ने REST API जो है वो बना ली थी। अब हम लोग एंगुलर बनाने जा रहे हैं, यानी फ्रंट एंड। तो एंगुलर के अंदर REST API विद एंगुलर ये प्रोजेक्ट है, और इसमें आप लोगों को एंगुलर जो है वो बताया जाएगा कि किस प्रकार आप लोग एंगुलर के लिए तैयार रहें। अगर आप लोगों ने एंगुलर के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ अपने एंगुलर के वीडियोस जो हैं बेसिक वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और कैसे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया जाता है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब आप लोग वो देखोगे। तो हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है, मैन जो विंडो है जहाँ पर मुझे एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वहाँ पर मैं आ गया हूँ स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट यू आई। और यहाँ पर मैं एक नया जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, ng न्यू स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डैश यू आई के नाम से। ठीक है, ng न्यू स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डैश यू आई के नाम से मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहले ये पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू ऐड एंगुलर राउटिंग? यस, वाई नॉट। एंगुलर राउटिंग तो यूज़ करनी है, CSS हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, और उसके बाद में इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ठीक है, तो इसे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फेज की ओर। ठीक है, कुछ npm जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। इंस्टॉलिंग पैकेजेस npm, और ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग जो हैं API के थ्रू डाटा गेट करेंगे एंगुलर के अंदर। लेकिन पूरा वीडियो आप लोगों को देखना ज़रूरी है, और वन बाय वन स्टेप्स भी आप लोगों को करने ज़रूरी हैं। मैं कोई भी स्टेप्स को स्किप नहीं करना चाहता, जितना टाइम हो उतना आप लोगों को लगे उतना लगाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी स्टेप जो है वो स्किप नहीं करना चाहता, ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, और ये भी हो कि हाँ जो स्टेप्स हमारे साथ मैं जो कर रहा हूँ वही स्टेप आप लोगों के साथ भी हो रहे हैं। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है आप लोगों का स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट यू आई के नाम से। और इसमें आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के पास सारे के सारे जो हैं वो फोल्डर आ चुके हैं। अब आप लोग जो हैं इसके अंदर जो है आ जाइए स्टूडेंट एडमिन पोर्टल के अंदर। तो CD करके आप लोग जो हैं स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डैश यू आई के अंदर अगर आप लोग आएंगे, तो वहाँ पर आप लोग ng सर्व कर सकते हैं, क्योंकि src का फोल्डर जो है वो उसी के अंदर है। तो आप लोग ng सर्व करें, और ng सर्व करने के बाद आप लोगों को ये एक एड्रेस जो है पोर्ट नंबर, यानी कि सॉकेट एड्रेस जो है वो आप लोगों को दे देगा, और उससे आप लोग एंगुलर का जो ऐप है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट ऐप है जो कि एंगुलर का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हो गया। और इसका जो पोर्ट नंबर है वो 4200 दिया गया है, लोकल होस्ट विद पोर्ट नंबर 4200। अब हम लोग जो हैं URL को डायरेक्ट नेविगेट कर सकते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे विजु स्टूडियो के अंदर। तो जस्ट राइट फाइल पर क्लिक करें और फोल्डर को ओपन करें, और फोल्डर अपना हमारा क्या कौन सा है, स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट यू आई जो पोर्टल है, जिसमें डैश यू आई नाम से जो प्रोजेक्ट है उसे हम लोग एज ए सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डैश यू आई, इसको एज ए सिलेक्ट जो है मैं फोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर src को ओपन किया, जस्ट ऐप को ओपन किया। ओपन के बाद में देखिए यहाँ पर डिफॉल्ट जो आता है वो आप लोगों के पास ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट html आता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास जो है मैं इसको ng सर्व कर देता हूँ, और वो जो पोर्ट नंबर मुझे मिला है लोकल एड्रेस का, वो यहाँ पर जो है रिडायरेक्ट कर देता हूँ। अब कोई भी चेंजेस होंगे वो आप लोगों को सामने ब्राउज़र पर होते दिखाई देंगे। तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल होती है वो आप लोगों की ऐप कंपोनेंट डॉट html फाइल होती है। इसमें कुछ एसेंशियल एक्सटेंशंस हैं एंगुलर के अंदर, जैसे कि जॉन पापा का ये एंगुलर एसेंशियल है, इसे आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और ये कुछ इंस्टॉलेशन है जो आप लोगों को करनी है, तो ये कुछ पैकेजेस जो एक्सटेंशंस हैं वो आप लोगों को इंस्टॉल कर लेने चाहिए एंगुलर से रिलेटेड। एंगुलर फाइल देखिए इंस्टॉल हो रहा है,
नेक्स्ट है एंगुलर लैंग्वेज सर्विस है, ये भी देखिए इंस्टॉल्ड हो गया है साथ में इसी के। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हैं जो कि आप लोगों को इंस्टॉल कर लेने चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ वो आप लोग कर लीजिए। देखिए CSS फॉर्मेटर जो है वो भी इंस्टॉल कर लीजिए, CSS का जो फॉर्मेट है वो बताता रहेगा आप लोगों को, तो CSS फॉर्मेटर जो है वो भी इंस्टॉल आप लोग कर लीजिए। एक आता है डिबगर, आता है क्रोम का या एज का, वो भी आप लोग जो इंस्टॉल कर लीजिए ताकि हम लोग जो हैं डिबग करके देख सकें इस चीज़ को। तो वो भी एक्सटेंशंस हैं तो वो आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। और कुछ और भी होने चाहिए, डिबगर फॉर फायरफॉक्स भी है इसमें, एक्सटेंशन पैक फॉर द जावा, डिबगर फॉर यूनिटी, ये ज़रूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज का देखते हैं अगर हमारे पास, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। ठीक है, तो चलिए एज का नहीं मिलता है तो इंस्टॉल्ड देख लेते हैं, दो इंस्टॉल हो गए हैं। ठीक है, और नो पैकेज जो है वो एंगुलर से रिलेटेड हो गए हैं देखिए इसमें। ठीक है, तो बाकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है, और जो ज़रूरत होगी जैसे कि ES लिंट का जो पैकेज है उसकी भी ज़रूरत होती है, तो वो इंस्टॉल हो चुका है देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का ही था कॉरपोरेशंस, तो ये भी इसमें आ गया है, ES लिंट वाला भी इसमें साथ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पर मटेरियल आइकन थीम जो है वो पैकेज भी जो है वो साथ में आता है इसके, मटेरियल डिज़ाइन आइकन फॉर विजुअल स्टूडियो, और मटेरियल थीम भी हम लोगों को इंस्टॉल करनी है, तो जस्ट इसके बाद में हम लोग मटेरियल थीम ही इंस्टॉल करेंगे इसमें। तो यहाँ पर हम लोग जो हैं ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल फाइल है, और उसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल का जब आप लोग ओपन करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आप लोगों का जो मेन रूट फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। इसमें आप लोग जो हैं ng add, और उसके बाद में आप लोग क्या कर लें, मटेरियल जो थीम है हम लोग वो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ng add @angular आप लोग स्लैश मटेरियल यू लिखें। जैसे ही आप लोग ng add angular material लिखेंगे तो आप लोगों से पूछेगा कि कौन सी थीम जो है वो मटेरियल की आप लोगों को इंस्टॉल करनी है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूछ रहा है द पैकेज एंगुलर मटेरियल 13.2 विल बी इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। हमारी जो एंगुलर की जो डिफ़ॉल्ट थीम है और डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉलेशन है एंगुलर का 13.26 के साथ, तो वुड यू लाइक टू प्रोसीड? यस, पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चूज ए इनबिल्ट जो थीम है उसमें हम लोग डीप वाली सेलेक्ट करते हैं, और मटेरियल टाइपोग्राफी स्टाइल है, यस हम लोगों को टाइपोग्राफी स्टाइल भी चाहिए है। ठीक है, डीप पर्पल एम्बर जो है थीम हम लोगों ने सेलेक्ट की है। सेटअप ब्राउजर एंगुलर मटेरियल ये हो गया, एनिमेशन ब्राउजर वाला भी यस हम लोगों ने कर दिया है। तो ये जो एक मटेरियल जो थीम है वो डीप पर्पल वाली इंस्टॉल्ड हो गई है। ठीक है, तो हम लोगों ने मटेरियल जो है वो ऐड कर लिया है, क्योंकि मटेरियल के अंदर ही हम लोग जो हैं आगे प्रोसीड फर्दर जो है डिज़ाइन जो है परफॉर्म करेंगे। तो मटेरियल यूआई अगर हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया एंगुलर के अंदर, और हम लोगों ने सेटअप भी कर लिया प्रोजेक्ट का, वो भी कर लिया है, ठीक है वो सब कुछ हो चुका है, और कुछ एक्सटेंशंस थे वो भी हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं CSS के लिए फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड। तो अपने ब्राउज़र पर जाइए, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट कॉम लिखिए, और यहाँ पर आप लोग जो हैं डिव क्लास रो लिखिए, डिव क्लास कॉलम एक्स एक्सेस बार 12, ये वाला जो है टोटल हम लोगों को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए हम लोग गिटहब पर जाते हैं, और इसका जो मेन फाइल है npm से, वहाँ से हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड और ये डैश डैश सेव, ये वाला कमांड जो है हम लोग अपने टर्मिनल में स्टार्ट कर देंगे, लगा देंगे। तो npm i फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डैश डैश सेव, जैसे ही मैं ये लगाता हूँ तो ये आप लोगों का फ्लैक्स बॉक्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फ्लैक्स बॉक्स एक प्रकार के CSS है, तो हम लोगों को एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर ये CSS जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को पता है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जैसा कि मैंने बोला था आप लोगों को कि जो भी कुछ होगा वो मैं पहले से कर चुका हूँगा। तो आप लोग जो एंगुलर के जो बेसिक वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं अगर वो देख लेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। तो मेरी मानिए, आप लोग बेसिक ट्यूटोरियल ज़रूर देखिए एंगुलर के, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आसान लगे और आगे भी प्रोजेक्ट में आप लोगों को कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बेसिक ट्यूटोरियल देखने ज़रूरी हैं। अब आप लोग एंगुलर डॉट जेसन फाइल के अंदर आइए, और यहाँ पर जो स्टाइल है
उसमें ये फ्लैक्स बॉक्स रीड जो है वो और ऐड कर दीजिए। अगर आप लोग देखेंगे तो नोड मॉड्यूल्स को जब आप लोग एक्सपेंड करेंगे तो आप लोगों को फ्लैक्स बॉक्स रीड दिखाई देगा। उसमें हम लोग डिस्ट फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को सी एस एस जो मेन फाइल है, मिनीफाइड फाइल, वो आप लोगों को दिखाई दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग आ गए। यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास क्या है, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड। इसको एक्सपेंड कीजिए, इसमें आप लोग डिस्ट फोल्डर के अंदर जाइए और यहाँ पर देखिए फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट सी एस एस भी है और फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट मीन डॉट सी एस एस भी है। तो हम लोग जो है मीन डॉट सी एस एस फाइल यूज़ करेंगे। तो आप लोग डॉट स्लैश लगा कर लिखें नोड मॉड्यूल, उसमें स्लैश लगा कर लिखें आप लोग एंगुलर। नोड मॉड्यूल्स में आप लोगों के पास फ्लैक्स ग्रिड है तो आप लोग लिखें नोड मॉड्यूल्स स्लैश, आप लोग लिखें फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड, फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट सी एस एस, सॉरी फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड, और इसमें डिस्ट फोल्डर और इसमें आप लोगों के पास है फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट मीन डॉट सी एस एस। ठीक है, तो इजीली ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं और आप लोग जो हैं आसानी से फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड डॉट सी एस एस को यूज़ भी कर सकते हैं। इन लेटर वीडियोज़ हम लोग इस्तेमाल में भी लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और मैं यही ट्राई करता रहता हूँ हम लोगों के लिए कि अच्छा सा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो उठाऊँ और आप लोगों को हर चीज़ वो बताने की कोशिश करूँ। अब मेरे पास नेक्स्ट जो टास्क होगा वो मैंने देखे फ्लैक्स बॉक्स ग्रिड भी ऐड कर लिए, स्टाइल भी ऐड कर दी है। अब हम लोग जो है एनजी सर्व कर लेते हैं या हम लोग जो है एक नया कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट के नाम से। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, नया टर्मिनल ओपन करता हूँ और उसमें हम लोग एक नया कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो मैं मेन फाइल जो है हमारी उसमें आता हूँ, सीडी करके एसआरसी में आ गया। एसआरसी के बाद में मैं इसमें एक फोल्डर बनाऊँगा, ऐप के अंदर भी आ गया, ऐप के अंदर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा नए कंपोनेंट का स्टूडेंट के नाम से। तो जो टैब ओपन्स हैं एक्सपेंडेड हैं उनको मैं एक बार के लिए दोबारा से बंद कर दूँगा, जैसे कि नोड मॉड्यूल वाली ओपन थी तो उसे हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो ओपन है, जो नोड मॉड्यूल ओपन है, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं एक बार के लिए एक्सपेंड को, और उसके बाद में हम लोग एक नया फोल्डर जो है ऐप के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आप लोगों को ऐप के अंदर हम लोग जा चुके हैं और लेआउट के नाम से हम लोग क्या बना देते हैं, एक नया फोल्डर जो है उसमें बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लेआउट फोल्डर है उसमें हम लोग अंदर जाते हैं और उसके बाद में हम लोग एक नया कमांड लिखते हैं कंपोनेंट बनाने के लिए लेआउट का ही। टॉप नेविगेशन जो है हम लोगों को बनाना है तो हम लोग इसका जो नाम है नए कंपोनेंट का वो टॉप नेव ही रख लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो हमारे लेआउट के अंदर क्या आ जाता है, टॉप नेव नाम से एक नया जो कंपोनेंट है वो इनिशियलाइज हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पहले से ओपन एंगुलर डॉट जेसन उसको हम लोग सेव कर देते हैं और हमारी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल है उसे हम लोग पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने एक नया फोल्डर, नया जो लेआउट है वो बनाया है, नया कंपोनेंट लिया है टॉप नेविगेशन, तो हमारी टॉप बार होगी उसी पर हमारा अप्लाई होगा। तो अभी हम लोग ऐप कंपोनेंट डॉट एस टी एम एल में देखिए, अगर एच वन हेलो लिख लेते हैं तो ये हेलो आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा, ये कोई बात नहीं है। अभी ये सारा सब कुछ हम लोग जो है, अगर एंगुलर का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो हम लोग वहां से सीख चुके हैं। ठीक है, ये टाइटल जो है ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस में ये आप लोग हटा दीजिए। अभी हम लोगों को लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप नेविगेशन बार बना रहे हैं, वहाँ पर एक होम बटन लेंगे और वहाँ पर हम लोग एक बटन और लेंगे स्टूडेंट्स के नाम से हम दिखाने के लिए। अगर आप लोग ये एनजी सर्व कमांड यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को आएगा एरर, क्यों, सॉरी एरर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग रूट फोल्डर तक पहुँच चुके हैं। तो एनजी सर्व कमांड आप लोगों को वहीं लगाना है जहाँ पर आप लोगों का जो रूट फोल्डर हो, जैसे कि आप लोगों का रूट फोल्डर जो है एडमिन, जो स्टूडेंट एडमिन पोर्टल डॉट डैश यू आई है वो आप लोगों का जो मेन रूट फोल्डर है। तो ये सर्व हो चुका है, आप लोगों को जो लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर है ये मिल चुका है, इस पर आप लोग कंट्रोल डॉट करके क्लिक करके आप लोग नेविगेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कंपोनेंट भी बना लिया है टॉप नेविगेशन के नाम से
और ये सारा सब कुछ मटेरियल जो है हम लोग बेसिक्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन मटेरियल यूआई में कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने नहीं किए हैं, जैसे कि टूल बार कैसे शो करनी है या हम लोगों को टेबल्स कैसे शो करनी है। वन बाई वन अगर हम लोग ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो उससे पहले हम लोग उसमें वो सब चीज़ें मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप लोगों ने बेसिक सीख लिया होगा तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मेरी प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर वहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोग जो है एंगुलर सीख सकते हैं। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि क्योंकि ये फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ हमेशा ही। ऐप टॉप नेवार जो है आप लोग ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में इसका जो रूट एलिमेंट है जो अभी हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया था लेआउट के अंदर टॉप नेव के नाम से, तो इसका जो सेलेक्टर एलिमेंट होता है वो ऐप टॉप नेव आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों ने उसमें ऐड कर देते हैं। तो अभी उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज की ओर और यहाँ पर आप लोगों को देखना है, ये देखिए एरर है। ये एरर क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग फोल्डर का नाम जो है कैप्स में ले लेते हैं तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर जनरेट होती है बेसिकली। तो अगर आप लोगों से हो तो आप लोग स्मॉल में सब कुछ लिए लीजिए, जैसे कि जो फोल्डर आप लोग बनाएं वो नाम भी आप लोग जो है स्मॉल लेटर्स में ही लें। इन लेटर वीडियोस थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ये सारी प्रोसेस जो है वह दोबारा से करूंगा और लेआउट का जो नाम है एक्चुअली में जो लेआउट मैंने कैप्स में रखा है उसमें स्मॉल करूंगा, ये एरर उसकी वजह से है, ठीक है। तो इसे मैं रिजोल्व कर दूंगा, लेकिन अभी मैं जो है इंपोर्ट कर रहा हूं कुछ टूल बार, जैसे कि मैट टूल बार मॉड्यूल जो है वो मैंने इम्पोर्ट किया है फ्रॉम एंगुलर मटेरियल टूल बार से ही। आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्ट कैसे करना है, आप लोग अगर डायरेक्टली इम्पोर्ट्स के अंदर मैट टूल बार मॉड्यूल लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर आप लोगों को इम्पोर्ट भी कर देगा, ठीक है। क्योंकि मुझे टूल बार जो है एंगुलर की यूज करना है इसीलिए मैं मैट टूल बार मॉड्यूल जो है वो यूज कर रहा हूँ, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए आई थिंक जहां पर मैं सोचता हूँ। तो टैप जो टॉप नेव कंपोनेंट है डॉट एचटीएमएल उस पर हम लोगों को क्या करना है, ये डिजाइन करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो नेविगेशन कंपोनेंट है वो इसी में हम लोगों को मैट टूल बार जो है वो डिजाइन करना है। तो मैंने लिखा मैट डैश टूल बार कलर और आप लोग कलर जो है वो चूज कर सकते हैं कोई भी आप लोगों का जो नेविगेशन हो। हमारी डीप पर्पल ब्लू जो है वो आप लोगों की एम्बर ब्लू जो है वो आप लोगों की थीम है, तो जस्ट राइट टॉप राइट साइड कॉर्नर में जाकर आप लोग ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जाकर देखिए यहाँ पर आप लोगों की डीप पर्पल एंड एम्बर जो आप लोगों की थीम है उसके हिसाब से आप लोग टूल बार जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी टूल बार का आप लोगों को हो कोड आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग उठा लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं प्राइमरी कलर जो है वो इस्तेमाल में लेंगे, मैं यहाँ पर प्राइमरी कलर जो है वो इस्तेमाल में लूँगा मैट टूल बार का, क्योंकि मुझे टॉप हेडर में एक टूल बार जो है वो डिस्प्ले करनी है, तो मैं सीधा सा लिखूंगा मैट डैश टूल बार तो ऑटोमेटिकली टूल बार बन जाएगी, कलर उसका प्राइमरी हो जाएगा। डिव क्लास उसमें मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर जो है वो बेसिकली आप लोगों को पता है बूटस्ट्रैप में क्या काम करता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को कंटेनर के अंदर एक बटन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें होम का एक नेविगेशन लिंक जो है वो डिस्प्ले करना है बेसिकली, तो वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा ahref हैश से मैं डिस्प्ले कर दूंगा। और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिए मैट आइकॉन आप लोग ले सकते हैं, आइकॉन मुझे दिखाना है तो मैट आइकॉन भी आप लोगों को एंगुलर की वेबसाइट पर जाकर आप लोगों को चेक करना है, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छे रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप लोग कोई भी मैट टूल बार का ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, मैट टूल बार यूज़ कर रहे हैं, मैट आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो उसे इंपोर्ट आप लोगों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैट आइकन मॉड्यूल भी मैंने यूज़ कर लिया, मैट टूल बार मॉड्यूल भी यूज़ कर लिया है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि एरर मैं रिमूव कर दूंगा, तो मैं आप लोगों को देख लीजिए आप लोग जो है टॉप जो लेआउट फोल्डर है आप लोगों को वो कैप्स में है स्मॉल में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैट आइकन मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, और मैट आइकन जो है यहाँ पर मैट आइकन बन जाएगा। और आइकन का आप लोगों को कलर कैसा दिखाना है और आइकन आप लोगों को क्या दिखाना है उसके बीच में आप लोग क्या लिखें, होम लिखेंगे तो होम आ जाएगा, बैजेस लिखेंगे तो बैजेस आएगा। तो ये स्लाइड जो आप लोगों की है मटेरियल डॉट एंगुलर डॉट आईओ इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के मिल जाएंगे, जैसे कि फैब बटन है, देखिए यहाँ पर ये होम का बटन है। और कलर आप लोगों को ये नहीं लेना है, ये आप लोगों को येल्लो वाला कलर लेना है, तो फैब पर जाइए आप लोग देखिए और यहाँ पर आप लोगों को क्या सेलेक्ट करना है वो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, वो बटन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ पर जाकर। देखिए फैब में आप लोग आ गए, ये इसकी CSS होती है, ये इसकी TS फाइल है। ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग जो हैं इस जो मटेरियल टूल बार है उसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करें, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा।
अभी आप लोग जो हैं जो फैब बटन्स हम लोगों ने देखे थे वो आप लोग इस्तेमाल में लें। देखिए फैब है यहाँ पर, यहाँ पर कलर जो है एक्सेंट है और वो कलर हम लोग यूज़ करेंगे। वॉर्न कलर, कलर आप लोगों को यूज़ करना तो वॉर्न कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बटन में उठाया, बटन जस्ट कॉपी किया और पेस्ट किया, लेकिन एक्चुअल में आप लोगों को पूरे बटन करने की, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैट आइकन में मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बटन में क्या लिखा हुआ है, मैट फैब लिखा हुआ है, कलर वॉर्न लिखा हुआ है और ये वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैट आइकन हटा देता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद में मैं आप लोगों को, क्योंकि मैट आइकन में यहाँ पर होम लिखा हुआ तो होम लिख जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में मैट आइकन जो है वो बटन क्लास के अंदर है। ठीक है, इतना आप लोगों को रखना होगा। तो आप लोगों को क्या रखना होगा, आप लोगों को बटन जो क्लास है उसे भी ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस में इम्पोर्ट करना होगा। ठीक है, तो तीन इम्पोर्ट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टूल बार का हो गया, नेक्स्ट आप लोगों का आइकन का हो गया, नेक्स्ट आप लोगों का किसका हो गया, बटन का हो गया। ठीक है, तो बटन को भी आप लोगों को यूज़ करना है, क्योंकि ये जो येलो कलर का जो आया सिंबल आ रहा है आप लोगों को, येलो कलर जो आया एक्सेंट है जो है वो आप लोगों को दिखाना है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये जो कोड है आप लोगों को, देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर लिखा हुआ मैट फैब और कलर इक्वल्स टू एक्सेंट लिखा हुआ है। देखिए मैट फैब, मैट फैब सभी में लिखना है। तो आप लोग अगर मैट फैब भी लिख लेंगे अपने वाले कोड के अंदर, जैसे ए एच एफ आप लोग लिखते हैं तो वो मैट फैब तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, और कलर आप लोग एक्सेंट जो है वो इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये यह बटन जो है वो रिमूव कर दूंगा, यहाँ पर मैं मैट फैब लिख रहा हूँ और कलर जो है वो मैं ये यूज़ करूँगा, कलर इक्वल्स टू एक्सेंट, तो ये येल्लो कलर का आप लोगों को आ जाएगा और मैं वहाँ पर होम लिखूंगा बीच में, तो वो होम आइकॉन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये बटन वाला जो कोड है मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और ये वाला जो कोड है बटन वाला ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी वो येलोइस कलर का नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप लोगों को सिमिलर, आप लोगों को जो होम बटन जो आप लोगों को दिखना चाहिए वैसा आप लोगों को दिखाई देगा, येलोइस कलर नहीं दिखाई देगा। ये देखिए होम का आइकॉन आप लोगों के पास आ चुका है, लेकिन कलर जो है वो येल्लो नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कलर का जो पैटर्न होता है वो एक्चुअली में आप लोगों का एक्सेंट कहाँ पर है, बटन क्लास के अंदर। तो बटन जो टूल बार है आप लोगों की, वो आप लोगों को इस्तेमाल में लेनी है। देखिए यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वार्म वॉर्न जो टाइप है वो आता आप लोगों का, लेकिन आप लोगों का येलोइश नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ करें, बटन। यहाँ पर मैंने देखिए मैट बटन मॉड्यूल यूज़ किया है और जस्ट इंपोर्ट किया है मैंने इसको, जस्ट कॉपी यहाँ पर, यहाँ से इंपोर्ट्स में आप लोग कर दीजिए, या आप लोग इंपोर्ट्स में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैट बटन मॉड्यूल जैसे मैंने यूज़ किया है तो आप लोग देखिएगा जो आउटपुट है आप लोगों का वो येलोइश आ जाएगा, जो आप लोगों की इच्छा है, जैसा आप लोगों करना चाहते हैं, ये देखिए राउंड शेप में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आई होप मुझे भी अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बारीकी से समझाना। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखानी है स्टूडेंट नाम से। ठीक है, तो स्टूडेंट की जो टैब बनानी है वो मुझे यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैट रेज्ड बटन जो है वो देखिए बेसिक लिखा हुआ है यहाँ पर, और जब भी मैं कोई भी मैट रेज्ड बटन को यूज़ करता हूँ तो याद ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, जो इसकी क्लास होगी वो आप लोगों को पहले ब्राउज़र पर जाकर देखनी होगी कि उसकी जो CSS क्लास है वो क्या बनती है, उसके रिगार्डिंग आप लोग जो है इस पर स्टाइल शीट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर आप लोग देखिए दूसरा एंकर टैग आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूँ, href hash ही लगा दूंगा, और इसमें मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, मैट रेज बटन। ठीक है, ये क्या बटन है, कौन सा बटन है, मैट रेज बटन। ठीक है, और इस पर मैं क्या लिख देता हूँ, स्टूडेंट। अब ये वाइट कलर का जो बटन है वो बन जाएगा आप लोगों के टूल बार के अंदर। ठीक है, ये देखिए, और ये मैट रेज बटन है। ठीक है, अब मैं इसमें जो है गैप देना चाहता हूँ दोनों के बीच में, तो आप लोगों को CSS लिखनी पड़ेगी स्टाइल शीट। तो आप लोग जो आप लोगों ने कंपोनेंट बनाया है टॉप नेविगेशन के लिए, उसी पर आप लोग एक क्लास लिखे मैट बटन बेस क्लास। ये आप लोगों ने कैसे लिखी, ये आप लोग जो है जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट देखेंगे दोनों href का ए एंकर टैग का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। तो मार्जिन मैं राइट देना चाहता हूँ हर के बीच में, हर के बीच हर का आप लोगों को मार्जिन जो है 1 em अगर आप लोग दे देते हैं, तो जैसे कि होम टैब बनाया उसका भी राइट मार्जिन क्या होगा, 1 em जो है स्पेस मिल जाएगा। स्टूडेंट के भी क्या है, 1 em का गैप आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग जब इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखेंगे ये चीज़, तो आप लोगों को ज़्यादा बारीकी से ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बना लिया, और व्यू इंस्पेक्ट एलिमेंट हम अब हम लोग करते हैं।
देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को मैट बेस क्लास। तो ये देखिए ये रहा आप लोगों के पास, आप लोगों को आई होप आप लोगों को दिखाई दे दिया होगा। तो इस बेसिस पर मैंने जो है वो CSS क्लास जो है वो अप्लाई की है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों को धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगी। मैट बटन बेस क्लास जो है वो मैंने इस्तेमाल की है। तो आई होप आप लोगों को ये जो टूल बार वाला जो ऑप्शन है जो मैंने टॉप नेविगेशन कंपोनेंट बनाकर उस पर बनाई है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, एक और नया फोल्डर मैं इसमें ऐड करूंगा और उसमें मैं स्टूडेंट नाम से सर्विस जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले फोल्डर के अंदर आऊँगा SRC ऐप के अंदर, ठीक है आ गया। SRC ऐप के अंदर आने के बाद में मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, देखिए मैंने लेआउट जो है वो स्मॉल कर दिया है भाई, अगर आप लोग चेंज करना, सिमिलर प्रोसेस आप लोगों को करनी है, आप लोगों को कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं करनी है कुछ भी, तो वो चीज़ें आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक और कंपोनेंट यहाँ पर बनाया पहले NGGC स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जो है आप लोगों की ऐप के अंदर ऐड हो गया है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ऐड हो गया, तो वो एक नया कंपोनेंट है जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो सारे के सारे डिस्प्ले में करूँगा, ठीक है। इसी में मैं एक सर्विस को भी इंजेक्ट करूँगा, तो मैं मुझे एक सर्विस भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी जो मैंने स्टूडेंट्स नाम से जो कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, वो मैंने क्यों बनाया है, ताकि मैं राउटिंग को क्लियर कर सकूं। तो राउटिंग आप लोगों को करनी है, तो ऐप राउटिंग मॉड्यूल .ts जो फाइल है उसको ओपन करें, और राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को उसमें बता चुका हूं। अगर मैं एम्प्टी पाथ पर जाता हूं तो भी मैं स्टूडेंट कंपोनेंट को कॉल करूंगा, और अगर मैं स्टूडेंट को क्लिक करता हूं तो भी मैं, यानी कि होम पे, अगर बाय डिफॉल्ट आप लोगों का डिफॉल्ट URL जो जाता है बेस URL वहां पर भी कोई जाता है तो भी आप लोगों को स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और बाकी आप लोगों को ये राउटर आउटलेट के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वर्क्स आप लोगों के सामने आ गया, और जब मैं स्टूडेंट्स पर क्लिक करूंगा तो भी आप लोगों को ये दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को क्या करना होगा, स्टूडेंट्स नाम से राउटर लिंक बनाना होगा टॉप नेविगेशन बार के अंदर, और टॉप नेव जो है आप लोगों का उसमें आप लोगों को स्टूडेंट्स, एक और नया एरे जो है आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं पाथ के नाम से। तो यहाँ पर एक और नया एरे जोड़ें, सॉरी एलिमेंट जोड़ें एरे के अंदर, और यहाँ पर पाथ के अंदर आप लोग लिखें स्टूडेंट, और जब आप लोग स्टूडेंट्स पर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने यही सेम कंपोनेंट ओपन हो, कंपोनेंट स्टूडेंट्स कंपोनेंट, ठीक है। लेकिन ये स्टूडेंट्स आप लोगों को कहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ये टॉप नेविगेशन बार जो आप लोगों ने कंपोनेंट बनाया है, ये देखिए टॉप नेव कंपोनेंट आप लोगों ने बनाया है, यहाँ पर तो आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पर तो आप लोगों को लिखना है एम्प्टी, जो भी आप लोग लिखें यानी कि स्लैश, और यहाँ पर आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पर नेविगेट करेगा, ये जो मैन है वो तो होम जो है वो तो मैन जो डोमेन है उस पर, यानी कि इसी पर आप लोगों का करेगा, क्योंकि राउटिंग में हम लोगों ने यही चीज़ डिफाइन जो है वो कर रखी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने समझाई है, और धीरे धीरे करके आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर भी होती जाएंगी जो इसमें अभी हम लोगों ने की हैं। तो टॉप नेविगेशन बार के अंदर मैंने एक मेन्यू बनाया है, पूरी जो रो है वो हम लोगों ने क्लियर की है, और ये सारा सब कुछ जो है वो क्लियर हो चुका है। धीरे धीरे करके हम लोग जो है आगे सीखते जाएंगे चीज़ों को, कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में भी आएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि जो href एलिमेंट होता है उसकी जगह आप लोगों को क्या लिखना होता है, राउटर लिंक लिखना होता है, ठीक है, क्योंकि राउटर आउटलेट तो वो होता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्प्ले होती है, जैसे कि टेबल्स जो है वो स्टूडेंट की डिस्प्ले होगी, और ये आइकन जो होती हैं उसमें हम लोग को राउटर लिंक डिस्प्ले करना होता है। तो राउटर लिंक एज ए एट्रीब्यूट जो है वो मैं काम में लूँगा इसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पर क्लिक करूँगा तो स्टूडेंट्स यही ओपन हो जाएगा, सेम कंपोनेंट जो है वो दोनों के लिए ओपन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं पहले से ही, पाथ जो है राउटिंग वगैरह का जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को डिक्लेयर कर चुका हूँ, बस मैंने डिक्लेयर नहीं किया, उससे पहले मैंने ये जो लिस्ट है HTTP वाला भी मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो HTTP का ही होगा। तो इससे पहले मैं एक सर्विस बना लेता हूँ, और सर्विस का वीडियो भी मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो सर्विस मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ वो एक दूसरे के बाद एक प्रोजेक्ट बन जाता है, लेकिन सारी चीज़ें मैं डिस्कस आप लोगों को बेसिक ट्यूटोरियल्स में कर चुका होता हूँ, बस उन्हीं को जोड़कर मैं एक नया प्रोजेक्ट जो है आप लोगों के सामने लाता हूँ, और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छे लगते हों, ये सारे वीडियोज़ अच्छे लगते हों, तो प्लीज़ टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को जरूर सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें जहां पर आप लोग शेयर करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करें। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों को हर वो प्रोजेक्ट्स जो है एक बाइंड करके चलता है कि बेसिक से एडवांस की ओर, कि आप लोगों को क्या क्या करना, आप लोग क्या कर सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जैसे अगर आप लोगों को सी शार्प में कुछ करना है तो सी शार्प में आप लोग क्या कर सकते हैं, विंडोज फॉर्म में करना है तो क्या करना है, WPF में करना है तो क्या करना है, जावा में करना है तो क्या करना है। तो टेक्नोलॉजी कीड़ा हर वो प्रयास करता है आप लोगों को जाके आप लोगों सीखें। तो ये सर्विस मैंने इसमें बनाई है, स्टूडेंट सर्विस, student.service.ts फाइल, और इंजेक्टेबल आता है तो डेफिनेटली एक सर्विस है। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास API होनी चाहिए जो कि पहले से रखी है, स्टूडेंट API जो हम लोग फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो यानी कि थर्ड डे के अंदर हम लोग इस सर्विस को यूज़ करेंगे और HTTP सर्विस का ही यूज़ करेंगे, सब्सक्राइब मेथड का यूज़ करेंगे जो लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। एसिंक्रोनस मेथड होता है आप लोगों का एंगुलर के अंदर, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हैं, ये सारे के सारे वन बाई वन हम लोग इन सभी पर चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो UI है हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, ये जो रिपोजिटरीज पैटर्न के थ्रू हम लोगों ने स्टूडेंट्स की जो API बनाई थी वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और ये बाय डिफॉल्ट स्वैगर के अंदर नहीं होता क्योंकि मैंने इसका पाथ या हम लोग कहते हैं राउट जो है वो चेंज कर दिया था, इसीलिए वो रन नहीं होती है स्वैगर के अंदर। अभी HTTP को हम, मुझे सर्विस को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, HTTP, ठीक है, HTTP क्लाइंट एज ए यूज़ करूँगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा सब कुछ। तो मैं बेस URI यहाँ पर लिख देता हूँ एज ए, जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा इन डे थर्ड तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे हम लोग करें। पूरा का पूरा करड़ ऑपरेशन मैं आप लोगों को इसमें कर बताऊँगा कि एक स्टूडेंट को हम लोग एज ए सर्विस कैसे यूज़ कर सकते हैं, API कैसे हम लोग यूज़ करेंगे REST API एंगुलर के अंदर। और अगर आप लोग REST API नहीं, ASP.NET Core की API यूज़ कर लेते तो बाकी किसी भी API को आप लोग यूज़ कर सकते हैं एंगुलर के अंदर। एंगुलर के अंदर कैसे वेबसाइट बनाएं वो मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को स्टार्ट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।